पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में एक तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार 27 अक्टूबर को हुए मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में 1 रन से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि अब भी कुछ ऐसे गुणाभाग हैं जिससे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है और आप पाकिस्तान को अभी सिरे से नहीं नकार सकते, जिसके लिए उन्हें अपने पड़ोसी भारत की मदद चाहिए होगी। पाकिस्तान टीम की ऐसी स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि टीम को अपने पहले दोनों मुकाबलों में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। पहले भारत से हारे और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता हुआ मैच ही गंवा दिया। खैर, इन सब से हटके अब आपको बताते हैं कि ग्रुप 2 का समीकरण क्या है और पाकिस्तान की टीम किस तरह से सेमीफाइनल में पहुँच सकती है, यानी पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम का काम कैसे बन सकता है। सबसे पहले बात ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल की करते हैं, जिसमें टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर है। भारतीय टीम के इन 2 मैच में 4 अंक हैं, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम 2 मैच में 3 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, क्योंकि उनका एक मैच बारिश से धुल गया था। साउथ अफ्रीकी टीम के लिए सबसे अच्छी बात उनका रन रेट है, जो कि +5.20 है। वहीं जिम्बाब्वे की टीम 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश के 2 पॉइंट्स हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। वहीं पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का खाता भी नहीं खुला है, वो क्रमशः 5वें और 6वें नंबर पर है। अब टीम इंडिया के भरोसे कैसे है पाकिस्तान, ये आपको बताते हैं। जी हाँ, सेमीफाइनल में पाकिस्तान कैसे पहुंचेगी ये बात करते हैं। पाकिस्तान के बचे हुए मुकाबलों की बात करें तो टीम को साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलने हैं। टीम को अब 3 मैच जीतने होंगे, जिससे कि उनके कम से कम 6 पॉइंट्स हो जाएं। इसके बाद बाबर आजम की टीम डायरेक्ट सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, वो उम्मीद करेगी कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को हरा दे, जिससे कि दोनों ही टीम्स 1 मैच जीतती भी हैं तो 2-2 मैच हार पॉइंट्स टेबल में कुल 5 पॉइंट्स से आगे ना जा सके। इस सूरत में पाकिस्तान की टीम बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे में से एक ने भी भारत को हरा दिया तो इनके सेमीफाइनल में पहुंचने के पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर चांस होंगे। अब इतने इफ एंड बट के बाद ही पाकिस्तानी टीम का कुछ हो सकता है, नहीं तो टीम को सेमीफाइनल से पहले ही अपने मुल्क लौट जाना होगा। खैर, क्या कर सकते हैं, पहले दोनों मुकाबलों में प्रदर्शन भी तो ऐसा ही किया है। अगर आपको T20 वर्ल्ड कप का पूरा कवरेज चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, वहाँ पर हम आपको इंस्टेंट अपडेट्स देते हैं खेलों से जुड़े हुए। हम लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इसी नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ललन टॉप स्पोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो झट से कर लीजिए। स्टोरी को लिखा था रविराज ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।